चैत्र की पूर्णिमा बहुत बड़ा सुंदर सुयोग अवसर बना है और हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव पर उन्हीं का गुणगान करें। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज के सुमिरन से संसार के सारे दुर्गम काज अपने आप सुगम हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज जिनके बारे में लिखा है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय भगवान रुदन करने लगे, विलाप प्रलाप करने लगे, बोले या तो इस समय समुद्र, ये जो चंद्रमा है स्वर्ग में आकाश में, उससे कोई अमृत लेकर के आए, या नाग देवताओं के पास पाताल में सर्प समूह के पास अमृत है वो लेकर के आए तो लक्ष्मण बचे। तो हनुमान जी बोले आप कहें तो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूं, आप कहे तो सर्प समूह को पछाड़ दूं, और या फिर मृत्यु लोक में जो मौत घूम रही है सबको भक्षण करती है, आप कहे तो मैं उसी की चटनी बना दूं। तुलसीदास जी बोले हनुमान जी अति कर रहे हैं, इतना भी हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता, इसलिए तो लिखा है आपन तेज समारो आपे तीनों ही लोक हांकते, आकाश में चंद्रमा कांप रहा है, पाताल में नाग देवता कांप रहे हैं, और मृत्यु लोक में मौत थर्रा रही है हनुमान जी से, इसलिए आपन तेज समारो वहां पे तीनों लोक हांकते कांप रहे हैं। हनुमान जी ने संसार के जितने दुर्गम कार्य है वो किए, लंका स्वर्ण की है वो जलती नहीं, पर सोने की लंका भी हनुमान जी ने जला कर राख कर दी, तो ये भी दुर्गम काज है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, संसार में सबसे ज्यादा कठिन और दुर्गम काज कोई है तो वो है छोटा बनकर रहना। हनुमान जी ने सारे काम लघु बनकर के किए, छोटे बनकर के किए, चाहे लंका जलाई हो चाहे लंका में प्रवेश हुए हो, इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा से समस्त कार्य अपने आप बन जाते हैं। तो कुछ भजन की पंक्तियां, वो पारवा है और हमारे बाबा जी पारवा के बड़े रसिक हैं, खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो गाएंगे आप? ए जी लाल लगो तो हद बनो, मुख में नागर पान, लंका में वानर चले तो भैया जनी रे सुत हनुमान, अंजनी सुत हनुमान, लाल लंगोटो हद बण्यो कह मुख में नागर पान, लंका में बानर चले अंजनी सुत हनुमान, हे जी बरे हनुमान बलवान, काज रघुवर का सारा है रे, रघुवर का सारा है काज भगवान करे सारा है, ये जी बलि हनुमान बलवान।
चाल रे कापुरी जाऊंगा चाल सूरत धरे मीरे लंकापुरी पुरी जाऊंगा चाल सूरत मन में हर सदर लाऊंगा खबर लंक रंग पीनी लंक रंग पीनी ओ महाराज रंग पीनी लंक रंग पीनी जहां रहती मात रहती सीता मात दुष्ट हर लीनी रेवा रहती सीता मात दुष्ट हर लीनी माता की खबर लाऊंगा रे ना जाता शरमाऊंगा माता की खबर मैं अपना अजमाऊंगा रे ना चाहता शरमाऊंगा बले अपना अजमाऊंगा रे गुण रघुबर के गाऊंगा अरे हर तो कहा कवि ने बड़े राम के दूत अंजनी पूत मुद्रिका लीनी लंका पूरी जाऊंगा चाल सुरत धर लीनी भगवान ने मुद्रिका दी हनुमान जी ने वो शिरोधार्य करी मन में हरख है जबर लाऊंगा खबर लंक रंग भीनी जहां रहती सीता मात वो दुष्ट हर लीनी हनुमान जी कहने लगे माता की खबर लाऊंगा ना जाता शर्माऊंगा बल अपना अजमाऊंगा और गुण रघुवर के गाऊंगा। अब हनुमान जी महाराज सोज ओजन उस मर्याद सिंधु की देखते हैं और यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब सोज ओजन मर्याद सिंधु की देखा है जब धान लगाए सोज ओजन मर्याद सिंधु की देखा है जब धान लगाए हल हल नीर देख सिंधु का देखा शिव जाता डर पाए डर के पवन पुदर बल कर भय पर्वत दियर पताल पताए दुष्टा एक सिंधु में रहते जुड़ता नम सर देती गिराई अनुरमान की छाया पकड़ी दे मौका दिया प्राण गवाए अब पहुंचा है समुद्र किनारे भय लंकापुरी मेरे देखे जाए सोने की लंका पका चोतर पे पैजा है नीर राक्षस का पैरा हला के हाथ में धनुष तीर मल जो अखाड़े लग रहा बड़े बड़े सुरवीर सुंदर सुंदर देखर बाग बागानी से हरियाली सुंदर सुंदर देखा बाग बागानी से हरियाली चपाहिना मोगरा फिर के तकी झूकी है डाली बमरा गुंजार कर तरसी चता है प्यार माने हनुमान बलवान काज रघुवर का सारा है बल हनुमान बलवान।
तो कहा सो जोजन मर्याद सिंधु की देखा है जब ध्यान लगाए, हल हल नीर देख सिंधु का देखा जीव जाता डर पाए, और करके पवन पुत्र बलकारी पर्वत दिया पताल पठाए। हनुमान जी महाराज यात्रा प्रारंभ करते हैं तो दुष्टा एक सिंधु में रहती उड़ता नमचर देती गिराए, हनुमान की छाया पकड़ी देव मुका दिया प्राण प्राण गवाए, अब पहुंचा है समुद्र किनारे लंकपुरी ने देखी जाए। सोने की गढ़ लंका बंका चौथर पे पड़ा है नील राक्षसों का पेरा लागे हाथ में धनुष तीर, मल जो अखाड़े लड़ रहा बड़े बड़े सूरवीर, और लंका की शोभा कैसी है सुंदर सुंदर देखा बाग बागा नीचे हरियाली चंपा इनाम मोगरा फिर केत की झुकिया डाली भंवरा गुंजार करता सीत सा है क्यार माली। जिनका रावण है महिपाल देख लिया हाल, खड़ा कपि लंक किनारा है ए जी बलि हनुमान बलवान काज रघुवर का। हनुमान जी महाराज के सामने दो विघ्न आवे, पहला मेनाक के प्रभु मेरे ऊपर विश्राम करो, तो हनुमान जी महाराज मेनाक को स्पर्श जरूर करे पर विश्राम, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि का विश्राम। स्पर्श किया श्री हनुमान जी ने, क्यों? क्योंकि सोना भक्ति की बाधा में सबसे बड़ी एक रुकावट है भक्ति की खोज में, धन स्पर्श तो करे पर सोए नहीं। हनुमान जी संकेत करना चाहते हैं कि देखो भैया धन का स्पर्श करे पर धन को अपना न माने तो बोले भगवान के कार्य से पहले कभी विश्राम विश्राम नहीं करे। इसलिए मेनाक से आगे बढ़े तो देवता समझ गए कि देखो जिसे सोने का पहाड़ नहीं रोक सका उसे लंका में किवाड़ क्या रोकेंगे, जिसे सोने का पहाड़ ना रोक सका उसे सोने के किवाड़ क्या रोकेंगे। हनुमान जी आगे बढ़े, फिर आ गई सुरसा, तो देखो सुरसा के सामने जब पहुंचते हैं सुरसा बहुत बड़ा रूप बना करके आती है, क्यों? क्योंकि यह प्रशंसा है पर प्रशंसा कभी छोटी होती नहीं, वो बड़े बड़े मुंह होते हैं, और सिंह का ईर्ष्या है पर ईर्ष्या छाया पकड़ती है मतलब कालापन पकड़ती है आदमी का। जब कोई आदमी किसी की बराबरी नहीं कर सकता तो उसमें कालापन देखता है, इसमें ये कमी है इसमें ये कमी है, जो खुद तो बराबरी कर सकता नहीं तो फिर कमी खोजता है, तो सिंह का जो है वो ईर्ष्या है और कालापन देखती है छाया पकड़ करके नीचे गिरा देती है। हनुमान जी ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अब आगे बढ़ते हनुमान जी महाराज अद्भुत रूप देखते हैं उस लंका नगरी का। अब बंदर भूप छोटे रूप शोभा धार पड़ की धरणी जब पिया मुकामार हो गई लाचार बहर धार गिर की धरणी, जब वर जान गई कहना मान तुम हो हनुमान शोभा भरणी, तुम सिद्ध करो तर काज सरो सब दुष्ट मन हो लंका जरणी। अब हनुमान लंका रावण का रावण बलि सूता पाया, विष्णुजा और दस मस्तक है रावण बलि सूता पाया, सिए मात को नहीं देखी वहाँ कुंभकर्ण की थी माया, कोष चार में मूछ पड़ी है कुंभकर्ण सूता पाया। हाथ जोड़ कहने देखी भेद जो प्रधान करके भेद दिया उसी साथ, हर से भया है साथ होता भारा है।
रघुवर का रूप शोभा अनूप जाकी बरनी दिन राज शेष की ना प्रवेश कह बदन नरेश कह शुभ करनी द्वार की ओर राक्षस ने घोर लंका के चोर कह नित चरणी दिया मुका मार हो गई लाचार वो रुधिर धार पड़गी धरणी जब हुआ ज्ञान कही कहना मान तुम हो हनुमान शोभा वरणी तुम सिद्ध करो तेरा काज सरो सब दुष्ट मरो लंका जरणी हनुमत लंका प्रवेश करके धीरे धीरे चल धाया अजब महल देखा रावण का रावण बलि सूता पाया बीस भुजा और दस मस्तक वापसी महल में चलाया सीए मात को नहीं देखी मां कुंभकर्ण की थी माया कोष चार में मूछ पड़ी थी कुंभकर्ण सूता पाया फिरते फिरते महावीर ने विभीषण का देखा दाम हरि का भगत था वो रट रहा राम राम बजरंगी बिचारी मेरा सिद्ध होगा आज विभीषण जी महाराज को भवन देखियो तो राम राम लिखोड़ा तुलसी को बिरवो हनुमान जी महाराज समझ गया चले रावण के निकल महल से पवन सुवन अति बलकारी आगे महल के देखा सुंदर कनक अटा दे झलकारी हरि मंदिर ते उसके अंदर अति सुंदर देखियारी थोर थोर लिखायो सके ऊपर राम राम सिरियस सारी थोर थोर लिखायो सके ऊपर राम राम सिरियस सारी राम नाम लिया पांच पवन सुते तुलसी की देखी क्या तुलसी की देखी ये चिन्ह देख सत्संग भगत के हनुमान जी सोचने लगे यह लंका रावण की कही जे असुरन की बस्ती सारी असुरन की बस्ती सारी कहाँ हो गया बास सजन का सबसे बात दिखे न्यारी कहाँ हो गया बास सजन का सबसे बात दिखे न्यारी हरिजन ही है विचार पवन सुने बड़े भवन के माजारी बड़े भवन के माजारी रूढ़ चंद ने तुलसी कृत रामायण की छायाधारी रूढ़ चंद ने तुलसी कृत रामायण की छायाधारी बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी दीनदयाल विरिंद्र संवारे प्रभुनाथ मम संकट भारी दीनदयाल विरिंद्र संवारे प्रभुनाथ मम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम रावण के निकल महल से पवन सुवन अति बलकारी आगे महल एक देखा सुंदर कनक अटा दे झलकारी हरि मंदिर ते उसके अंदर अति सुंदर दे उजियारी ठोर ठोर लिखा उसके ऊपर राम राम श्री असुरारी अब राम नाम लिया बांच पवन सुत तुलसी की देखी क्यारी और चिन्ह देख सत्संग भगत के खुशी हुई मन में भारी बोले ये लंका तो रावण की कही जे असुरा की बस्ती सारी और यहाँ कहाँ हो गया बास सजन का ये तो सबसे बात दिखे न्यारी हरिजन ही है विचार पवन सुत बड़े भवन के मांजारी और रूढ़ चंद ने तुलसी कृत रामायण की छाया तारी रूढ़ चंद ने तुलसी कृत रामायण की ही छाया तारी है 118 भजन लिखे और हनुमान जी महाराज विभीषण जी से भेंट करते हैं विभीषण जी महाराज को राम कथा सुनाते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण राम तो राम कथा सुनाई हनुमान जी से मुलाकात हुई विभीषण जी की विभीषण जी बोले मैं ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों में सुनो पवन सुत रहनी हमारी जिमी दशमिन मऊ जीव हजार बिचारी यूं विभीषण अरे जय गुजारी बलि हनुमान के आगे हनुमान के आगे यूं विभीषण
पवन कुमारा ऐसे रहूं मैं लंक मन धारा जो बत्तीस दांतों में प्यारा रहती जीव बिचारी डर सदा कटने का लागे अब होता कभी होके परसन होता कभी होके मुझको क्या हर देंगे दर्शन मुद्दत से दिल को नाई करारी चित हरि चरण में अनुरागी हरि चरण में अनुराग रागे चित हरि चरण में अनुरागी क्यों विभीषण हरे जगदारी बलि हनुमान आगे सोन कुमारा मैं ऐसे रहूं लंक मंजारा जो 32 दांतों में प्यारा रहती जीव बिचारी इधर सदा कटन का लागे विभीषण जी बोले मैं तो यहाँ रहूं लंका में जो 32 दांतों में हनुमान जी बोले फिर तो मौज बन गई विभीषण जी बोले जीव गई मौज है बढ़ गई कदी नंबर आ सके बोले जीव गई मौज है क्यों बोले कदी किन्नी पूछ लो जीव देखेंगी गिरी है तो दांत क्या गिरी है बोला हाँ बात तो सही है तो बोले लंका रूपी जो को मुख किलो है ना इरे अंदर दांत रूपी राक्षस गिर जैसी पर हे विभीषण जी आप तो जीव के रूप में हो आप शाश्वत हो जाओ थारो कोई बाल बांको कोई कौन सका है और संसार को नियम है आवे जी को जावे तो दांत आया ही वास्ते जैसी जीव आई कौन तो क्यों जाई दांत आए ये जाएंगे और एक बचपन में पहला उठ गया भरोसो का एक दूर जी हाँ तो एक दिन जीव पूछ लियो दांता ने कह देखो जद मर्जी आवाज थे मन काट लियो और थारे अंदर कोई सब्जी को तृण या अन्न को कर्ण फंस गया तो कितनी परेशान हूँ मैं इन्हें भी ने घूमू जार दे दू जब तक निकल जियो नहीं तब तक मैं चैन कौन बैठू मतलब थे कहीं दे जद मर्जी आवे काट लियो तो दांत अकड़ बोले मैं तो यही काट जी बोली काटो तो कौन जी गलत बोली तो नंबर थारो ही फैला आई अच्छा अच्छा जीव दांत में तकलीफ हुआ निकलवाना पड़े तो डॉक्टर कंजार कौन बोले दांत थोड़ी गए जी भी तो जार के डॉक्टर साहब निकाल दे वो तकलीफ हुए तो लंका के सुबेल पर्वत के मैदान की घाटी में श्री राम जी डॉक्टर बन रहा सी और सागे बंग कंपाउंडर की पूरी टीम है नल नील जामवंत अंगद हनुमान सब सब ठीक है तो हे जीव रूपी विभीषण जी थे जा और भगवान ने कह दिया कि राक्षस रूपी दांत बहुत परेशान है परेशान करे तो बाद में भगवान एड़ो ऑपरेशन करी के लंका रूपी मुख रे किले मो दांत सब 12 आज ही थे एकलाई मुख रूपी लंका में रहियो और जिके के मुंह में एकली जीव रे वे मौज कीती के अनुभवन उठाए के बहुत मौज दिन भर पूरे दिन फिरे ने कोई रोकनी हो कोई डांटनी हो निर्भाली है अकेली जीव का बहुत मौज हुआ तो हेर विभीषण जी थे एक लाई रेसियो विभीषण जी ने कहा ठीक है और अब मुझे पता बताओ क्या तब हनुमंत का सुनु भ्राता देखी थे जान की ए विभीषण जी थे लंका में रहो थे अस तक माता जी ने देखी है मैं पिताजी कनु आयो हूँ एक काम करो थे माता जी मिला दियो मैं धन पिताजी हूँ मिला दा ई वास्ते करिसो ई रूप गयो पुनि तह बन अशोक सीता रहे सीता जी के पास में जाने को परिचय और पतो श्री विभीषण जी बता दियो और राम जी कने आने को पतो हनुमान जी विभीषण जी ने बतायो तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जगे ई वास्ते एक पिताजी को पतो बतायो एक माँ को पतो बतायो तो दोनों कहीं हो गया तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता भाई हो गया देखी थे हूँ जानकी माता
अब आ सब चर्चा हुई, हनुमान जी महाराज चला गया अशोक वृक्ष में जार छुपर बैठ गया और इन्हें रावण अर्ध रात्रि के समय मंदोदरी आदि सब आपकी राणा ने लेर सीता जी कन जावे डरावे धमकावे सीता जी खड़क दिखावे और कहीं लिखे कवि बोले रावण से अभिमानी रे दाना चाल रात आधी आया रावण से अभिमानी रे दाना चाल रात आधी आया मनोदर्शी रे रानी संग में लेकर रावण करवाया धीरे 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 अरे एक बार मेरी और हर भाई समझ हो ये जग में आया जनक नंदनी कहवन लागी यह वचन जब फरमाया फरमाया अज्ञानी रबानी काल शीश तेरे छाया शीश तेरे छाया एक दिन रो तेरी नार मनोधर बंदर लूटे धन माया सोने की गढ़ लंका चली जा खार समुद्र सूखा पाया सुना रावण नर काटक कटक मारण दाया मनोधर ने खड़क पकड़ कर रावण को जब समझाया अब जगत पिता श्री राम को जन भाई सिया राम की है माया एक मास की म्याद गाल कर राम ना उल्टा कर आया राम ने उल्टा कर आया राम ने उल्टा कर आया सिया मन भाई पी अरे उठ गया दरिया बजे से हिमड़ा ना धरता है धीर अशोका दर कर जरा मेरी कर दे प्रतिपाल कयन भसम करूं ऊपर से अग्नि लाल बचन सुन रंजन का हंसा लाल तो केवन लग गया रावण से अभिमानी दाना चाल रात आधी आया और मंदोदरी सी रानी संग में लेकर रावण गर्भाया एक बार मेरी ओर निहारो सुपल होवे जग में काया एक बार मेरी तरफ देखो तो सही क्या लेगी उस रामचंद्र में जासुक भोगो राजबंदर में ताबेदार तेरा रघु सुंदर में खाए पैर मन भाया देखो मम और निहारी लंकेश बाग में आया संग नहीं बहुत सी नारी एक तरफ एक बार मेरी देखो इतने भव्य भवन कोई कमी नहीं सीता जी ने तृण धरी ओट कहते वे दे तिनके की ओट से कहा अच्छा एक बात बताओ मंदोदरी पास में खड़ी और रावण के मंदोदरी आदि सब तेरी ये मंदोदरी आदि सब जो रानियां हैं इनको तेरी दासी दासी दे दी दासी बना दी अब बताओ धर्मपत्नी पास में खड़ी हुए और बिनो दूसरी निया कह के हूं तेरी दासी बना दी आजकल की होती तो अकल ठिकाना लगा देती काम तो सुनाई गया पर ब्राह्मण मंदोदरी दिखा सीता जी ने कह के आन तेरी दासी बना दी अब मंदोदरी बेचारी मन मन में सोचे वो पति है कि विपत्ति है मन नहीं दाव पर लगा हुआ है इसलिए मंदोदरी ने कहा मैंने जो अपमान सहा आज वाटिका में शायद ही वह सहा हो किसी और अन्य नारी ने और मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दाव पर लगाया पति मेरे दुराचारी
अच्छा पाने के लिए प्रयास तो बहुत किए, यत्न तो अनेक किए इस काम के पुजारी ने। सीता की मेरीनी हूँ राजेश नहीं राम की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी। मंदोदरी के मेरी तो जनक दुलारी लाज बचाई, जे आ के मैं तो उदासी बनड़ी। तो रावण सीता जी को डराता धमकाता है, त्रिजटा आदि राक्षसियों को सबको कह देता है कि एक महीने तक डराओ धमकाओ, हमारी बात माने तो ठीक है, नहीं तो फिर चीज उतार। बार बार तलवार घुमाकर सीता जी से ऐसे कही, या तो मेरी कही मान ले, नहीं छोड़ू तेरे प्राण नहीं। सीता जी ने भी एक बात कह दी, सीता जी के सुन दशकंदर क्यों थाली बकवाद करे, या तो मेरे सिर के ऊपर तू ही सूत तलवार धरे, नहीं तो श्री रामचंद्र का हस्ती कमल सा हाथ परे, प्रण में अपना पार निभाऊ तारे से अब ना जाए। या तो तेरा ये खड़ग आएगा या श्री राम जी का वो हस्त कमल आएगा। एक महीना के कहकर के रावण चला गया। अब राक्षसियां डराती है सीता जी को रूप बना करके। सीता जी को वन अशोक में निस्त्री खूब डराय रही, अरे काले काले मुंह बना कर लंबे दांत दिखाय रही, काले काले मुंह बना कर लंबे दांत दिखाय रही। आहा भू कर रही सारी डाकर झूठ डराय रही, मद नशा उड़ावे कूद कूद मस्ताय रही, मास मद नशा उड़ावे कूद कूद मस्ताय रही। कभी लड़ती और कभी रोवती, हंसे कभी टकराय रही, हंसे कभी टकराय रही, कहे रूढ़ चंद ये हाल त्रिजटा सपन सुनाय रही, रूढ़ चंद ये हाल देख कर त्रिजटा सपन सुनाय रही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी को दुखी देखा हनुमान जी महाराज। सीता जी कह रही है सो अग्नि डाल दे मैं जलूंगी, कभी तारागणों से कह रही है अग्नि डाल दे, कर रही अकेली सोच बाग में बैठी जनक ललनिया। तो न तो अशोक ने न तारागणों ने हनुमान जी ने मुद्री का डाली, बोले माँ न तो अशोक का नाम सत्य होगा न इन तारागणों का नाम सत्य होगा, सत्य तो वही नाम है जो इस मुद्री का पे लिखा हुआ है, इसलिए इसी नाम का सहारा पकड़ लो। तो वो मुद्रिका देखी, सीता जी विकल हो गई, ये कौन लाया, कहां से आ गई, कैसे मिल गई। तो हनुमान जी महाराज सीता जी का संशय दूर करने के लिए राम कहानी सुना रहे हैं। अब हमारे रूढ़चंद रामायण में तो इसको पारवा में अलग हिसाब से गाया है और धारावाहिक रामानंद सागर में एक अलग भजन में गाया है। तो उसमें कैसे गाया है रूढ़चंद ने, वो भी गा देगा। श्री लखन सिया रघुबीर बजरंग ने कथा सुनाई, लखन सिया रघुबीर की हनुमत ने कथा सुनाई, हनुमत ने कथा सुनाई, बजरंग ने कथा सुनाई, हनुमत ने कथा हनुमान जी वृक्ष में बैठे बैठे सीता जी को कथा सुना रहे हैं कि मैया कैसे कैसे भगवान को वनवास हुआ है। रघुकुल में दशरथ भूप अधिक अनूप, ए भूप तप धारी जी भूप तप धारी, महाराज भूप तप धारी, उनके भूप तप धारी, उनके सुत राम और लखन राम और लखन बड़ी बलकारी रे, उनके सुत राम और लखन।
जिनके सुतराम और लखन बड़े बलकारी, वे वचन पिता का मान आए थे जान बन में महतारी, और आई संग में आप राम जी की प्यारी। और हे सीता जी, हे मैया, हे तो हे जान अकेली बन में लाया असुर चुरा कर छिन्ने, जान अकेली बन में लाया असुर चुरा कर छिन्ने, हो रहे राम दुखी मन में कछु बाकी ना ये लखन में, हे राम दुखी मन में कछु बाकी ना ये लखन में। फिर भगवान ने क्या किया, कर सुग्रीव संग प्यार, बाली को मार आप करता, खोजने की रे तदबीर की कभी से ना कटी करवाई, खोजने की तदबीर की कभी से ना कटी करवाई, आ लखन सिया रघुबीर की अनुमत ने कथा सुनाई, लखन सिया रघुबीर की बजरंग ने कथा सुनाई। फिर कर सुग्रीव से प्यार, बाली को मार आप करतार, तो खोजन की तदबीर की कभी सेना कठी करवाई, लखन सिया रघुवीर की अनुमत ने कथा सुनाई, आगे चले तो मिला जतायु सिद्ध, मिला जतायु गिद्ध काम हुआ सिद्ध, लगा चरणन में पर उन्हें प्रिया आपका पता, मुक्ति पाई छिन में, हो व्याकुल हरि उठ धाये, सुग्रीव पास चल आए, पट चिन्ह कभी दिखलाए, लखी राम लखन अकुलाए। और फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, और मैया मैं इस तरह आपके पास ये मुद्रिका लेकर के आया हूं। अब ये तो बात हुई रूढ़चंद्र रामायण की, रविंद्र जी जैन साहब ने जो लिखा है, बोले राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम, कहते सुनते आए ओ, कहते सुनते आए अखियों में पाली, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आँख के तारे, सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के वो उजियारे, सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे, रघुकुल के वो उजियारे, राजीव नयन
सुनो रे राम कहा। श्री राम जय राम जय जय हनुमान जी वृक्ष में छुपकर राम कहानी सुना रहे और हे मैया फिर क्या हुआ। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर में, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, चुका करके भिक्षा का आग्रह करके, फल भेष भिक्षुका करके भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक लली सीता को छल बल से ले गया हरके, उस जनक लली सीता को छल बल से ले गया हरके, छल बल से ले गया हरके, बड़ा दुख पावे चंद्र भगवान की। तो ये राम कहानी सुनाई तो राम चंद्र गुण भरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, दुख दूर हुआ। सीता जी ने कहा कथा बड़ी सुंदर है कौन है, तो हनुमान जी बोले कथा ही सुंदर है मैया, कथा वाचक तो बंदर है, कथा वाचक बंदर है। बोले भले ही बंदर हो पर जिसने कथा सुनाई है वो मेरे लिए परम सुंदर है, सामने आ जाओ। तो सीता जी के सामने हनुमान जी आते हैं, बहुत सुंदर आगे का वर्णन है। देखी मुदरी का अति रे मनोहर रामा मैया यह मुद्रिका मैं लेकर के आया हूँ, परिचय बताया और फिर आगे की कथा कैसे शुरू हुई। अब हाथ जोड़ के बजरंग बोला सुनो ये मात मेरी चित्त लगाए, चंद्र यार मत अपनी जावे भोज सवार, लंका गढ़ को तोड़ मात फिर रावण की के मस्क चढ़ा, अभी मात में तुम्हें ले जाऊं मत इस मेरे झूठ समझियो ना ये। अभी मात में तुझे ले जाऊं मत इस मेरे भर का समझियो ना, लंका तोड़ता कर मेरे सारा जगत गया
पवन बुहारी देता काम में मृत्यु पड़ी कुवे के मान इंद्र रोज यहाँ भर रे हाजरी में के रोज जल भर के जाए पूछो बड़ा पंद्रह दिन के तार यहाँ से जिंदा कैसे जाए कैसे जाए अब कसम करूं मेरे तेरा चिंता बहिरे बदल के माँ कितना बदन सुनिया माता का निज स्वरूप जब दिया दिखाए सोने का सो मेरे लगे हो गया लाल लाल सोने का सो मेरे लगे हो गया लाल लाल भयंकर रूप देखा राज सुखा देखा काल लगा के सन्मुख के तलारे कभी भी करता ना काल ऐसा रूप देखा जब सीता मन आई धीर पास बुला के कहने लगी दहिने लगे महावीर सब गुणे बसोरे तो पर कृपा करे रघुवीर मौसमी केला न्यारा मौसमी केला न्यारा के जीवनी हनुमान बलवान राज रघुवरे सारा है हनुमान बलवान हाथ जोड़ के बजरंग बोला सुनो माथ मेरे चित लगा जल्दी रामचंद्र आवेंगे अपनी लावे भूत समाए लंकागढ़ को तोड़ माते रावण को दे गर्द मिलाए अभी माथ में तुम्हें ले जाऊं इसमें झूठ समझियो ना पर हे मां लंक तोड़ सागर में गेरू रावण की ड्यू मस्क चढ़ाए इतना काम करो नहीं डरता तो प्रताप सुन सीता माए जनक नंदिनी केवल लागी सुन बेटा मेरे चित लगाए यहां का दाना बहुत जबर है सारा जगत रहा घरबार और पवन बुहारी ने लंका में मृत्यु पड़ी है कुएं के माए इंद्र रोज यहां भरे हाजरी मेघ रोज जल भर के जाए तू छोटा सा मंदिर दिखता यहां से जिंदा कैसे जाए अरे अरे अब क्या जतन करूं भाई तेरा चिंता भई बदन के माए इतना वचन सुना रावण माता का विध स्वरूप जब दिया दिखाए हनुमान जी आप दिखावे तो कहीं देखे सोने का सुमेरु मेरी नैन हो गया लाल लाल भयंकर रूप देखा राक्षसों का देखा काल लंका के सन्मुख चला कभी भी करता न टाल ऐसा रूप देखा तो सीता मन आई धीर पास बुला कर केवन लागी धन्य धन्य महावीर सब गुण बसो तो पर कृपा करे अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु दात रघुनायक छो अजर कर दिया अमर कर दिया गुणवान कर दिया शीलवान कर दिया बलवान कर दिया और भगवान का बेटा बना दिया सुत हो तो माता बेटो तो बना दियो पर जन्म तय भूख बहुत लगे अंजना माता के सामने तो बाल समय रवि बख्शी लियो और अब थारे पुत्र बनाई हुए थे तो मन भूख तो लागी भूख तो लागी भाई तो माता क्यों तो वृक्ष नीचे भूमि पर जी का गिरा है मांगो फल खा लीजिए बेटा तोड़ना कौन है बोले माँ तो आज्ञा दे बस आगे काम मैं जानू और मेरो काम हनुमान जी महाराज चले माता जी की आज्ञा ही भूमि पर गिरेड़ा खाऊना तो वे वृक्ष उखाड़े और नीचो गिरावे जड़ा ऊपर करे भूमि को टकरे जिका तोड़ तोड़ खा लिया राक्षस बोले आगे कोई बांदर आए बनाऊता रे कई फर्क पड़े घना ही आवे आज जी तो है ही हुआ तो भटे भट रखवारा रहे तहां बहु भट रखवारे हनुमान जी के पास मैं अब थारो इंतजार करा क्या न मस लिया क्या न भूमि मिलाया क्या न समुद्र में फेंक्या कछु मारे जी कछु मर दे जी कछु मिले जी धरि धूरी कुछ गुन जाई पुकारे प्रभु मरे कटबल भूरी और सब भाग भाग रावण कने गया तो रावण अक्षय कुमार ने भेजो तो अक्षय कुमार किन ले रहे हो चला संगले सुबट अपारा वो ले रहे हो सुबट हनुमान जी महाराज एक ताड़ वृक्ष एकड़ो गिरायो गोविंदाय नमो नमो उसका भी काम हो गया खबर मिली रावण ने बोले खाली कपी कोनी है बांदरो कोनी है तो बोले मरकट है मरकट किन के बोले मार काट मजा रखी बलाई तो कोई और ही है हां मेघनाथ ने भेजा है पर मेघनाथ जिको ले रावे चला है मेघनाथ के साथ रहे तहां वहां महाभट बारे तो हनुमान जी महाराज के पास पहले आए थे भट अक्षय कुमार लाया था सुबट पर मेघनाथ लाया महाभट हनुमान जी ने मजा दी भटाभट जितने भी आए सबका काम पक्का अब माता जी की आज्ञा लेकर के चले हैं आज्ञा ले यकी चला रे बाग में छछ छ फलकाया आया
बाग लगा दिया मुंडा सुरन बाग जब फड़काया लगवाया जब बरगन लाया पड़े मार ब्याह मनाया रावण तेरा अक्ष कुंवर मुक्ति पाया अब हनुमान ने जाड पीछी होने लगी मेघनाद के मुकाम भाई परगर धरने लरे रे रे रघुबरे का साया है बलवा लेकर के जिला बाग में अच्छा अच्छा फल खाया सारा बाग लगा दिया मुंडा सुरड़ बाग जो फल खाया रखवाड़ा जो प्रजन लग गया पड़ी मार जा व्याकुल काया दूता जाए कई रावण से वानर एक जबर आया इतना वचन सुना रावण ने अक्षय कुमार को पटवाया ताड़ वृक्ष को पाड़बली ने अक्षय कुमार पर छिटकाया दूता जाए कई रावण तेरा अक्षय कुमार तो मुक्ति इंद्रजीत तुम होके भभी तब बंदर मीत पकड़ो जाई लवो पकड़ का डांगा आकड़ भाई करड़ जकड़ दो लगवाई मेघनाद का बाण चला छुटन लगे सरर रे दुनिया में सरनाटो मचो रटने लगे हरे रे रे हनुमान ने जाड पीछे होने लगी करर रे हनु और मेघनाद के मुका मारा पड़ गया धरणी धर रे फिर उठा मेघनाद बाण दिया हाथ और ब्रह्म पास से हनुमान जी को बांधा हनुमान जी ब्रह्म पास का अपमान थोड़ी करते वो भी तो भगवान के दास हैं तो हनुमान जी महाराज ब्रह्म पास का सम्मान करते हैं वो थी ब्रह्मा की पास हरि का वो दासे पकड़े बले हरि पकड़े बले जाए बंदर अज्ञान मौत तेरी आई रे रे बंदर अज्ञान मौत तेरी आई वो थी ब्रह्मा की पास हरि का वो दास पकड़ बलकारी और मन में भर अहंकार सभा भी चलाई जहाँ बैठा था दस तीस भुजा दी बीस बीस तन छाई और बीस तन छाई रे बंदर अज्ञान अमोत तेरी आई तो हनुमान जी और महाराज कहने लगे रावण ने कहा ओ तेरा रे तपस्वी कबे आजेगा ये जी तेरा प्राण आज जाएगा तेरा तपस्वी कबे आजेगा ये जी तेरा प्राण आज जाएगा मूरख तू पछताएगा रे फल करे का पाएगा अरे कब आएगा तेरा प्राण आज जाएगा मूर्ख तू पछताएगा और फल करनी का हनुमान जी महाराज कह के मार लो करनी और फल तो मारो थार लो गुणो चोखो पर वापस कहीं जवाब देवे बोले फल करनी का पामुरे रावण सत्य रावण बोले बाणी यार मात को है लाया डूब गया तू बिन पानी इस चीत पर धरा धरी करे उसका बल थोड़ा अभिमानी थोड़ा बल तेरे में आया जीती लगी सब रजधानी के समझ का गौर करे तन नहीं रे जोर ठीक है पानी इतना मदन सुना रावण
खड़क मारन धाया रावण को समझावन कारण सभा चाल विभीषण आया विरोध करिय मत रावण दूत मरण नहीं बतलाया सुना रावण ने रुई तेल जब मंगवाया रुई तेल का मेल मिला के अग्नि पूछ पे दही लगाया अग्नि गिर मित्रो तब तब कर लंका में जाया तब तब करता धुआं धबक के फट फट कर लंका में जाया की तरह महल जले हैं सोने की जलती है घाट ऊंट कचर भय किशोर घोड़ा चलती लड़की मर की रावण की नजर की राज सकत हो रजल जा कर कितना हाहाकार मचा भाई कितना गिर धरण में लौट सनन होगी कार पाऊं रावण सत्य रावण बोले बानी तू सिया मात को हरके लाया डूब गया तू बिन पानी से शीश पर धरा धरी के उसका बल सुन अभिमानी थोड़ा बल तेरे में आया जीत ली सब रजदानी जिके समंदर को गोर करे तो नहीं जोर दिखे पानी इतना वचन सुना रावण ने काट खड़ग मारक धर मारण धाया रावण को समुदावन कारण सभा साल विभीषण आया अरे नीति विरोध करिए मत रावण दूत मारण नहीं बतलाया इतना वचन सुना रावण ने रुई तेल जब मंगवाया रुई तेल का मेल मिला के अग्नि पूछ पे दे लगा दी लाट अग्नि की मित्रों धब धब कर लंका में जाए धब धब करता धुआं धपक के फक कर लंका में जाए सोने की थी महल जला है सोने का जलता है खाट ऊंट खतर भैंस और घोड़ा चलती लड़ी मुर्गी टाट दूजा सिवा रावण की जर्गी रास्ते का तोड़ कर गया कितना हाहाकार मचा भाई कितना गया धड़ में लोट अब सन्न नन सन्न नन हवा साले सनकार धप 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 अग्नि विजय धप कार जल 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 भैया राख सोच होगी खार दिनी है लंक जला जब हंसा के लकाई ध्यान सिया भर का धारा है ए जी मेरी हनुमान बलवान का रघुवर का हनुमान जी महाराज अब आगे बढ़ते हैं काल बुला के रावण बोला चौर कपीने लियाबो मारे बुला के रावण बोला जब कपी मेरे लाओ ये मारे काल बुला के रावण बोला जब कपी मेरे लाओ मारे काल चाल जब पास गया है महावीर लीनो है मुखड़ा में काल चाल जब पास गया है महावीर लीनो मुखड़ा में ने आय करीब ने दी तबे पाछो कपी ने दियो है निकाल मेघ बुला के रावण बोला तुम जा बरसो मेघ की धार मेघ चाल जब पास गया है हनुमत मारी पूछ की मार भगे मेघ जब कायर हो के अब रावण हो गया लाचार उलट पलट कर लंका जारी कर भगतों का दिया गुबार अब पहुंचा है समुद्र किनारे पूछ बुझाई हो होशियार अब पहुंचा है समुद्र किनारे पूछ बुझाई हो अंगद संग लेके पहुंच गया ताजा भगवान रावण की गण लंकार बंका देख आयो सिया मात लगाए रही सूर्य सेना को सजाय करके जल्दी चलो रघुनाथ रघुनाथ ने हर से किया थोड़े अठारह दल सभी सभी को हुक्म दिया पिता राम कहेगा वे प्रभु जी का शरणा लिया
भर्तु प्रेम से सीधा आपके अमृत किया। समुद्र पे तेरा डारा, समुद्र पर तेरा डारा, ए जी बलि हनुमान बलवा, काज रघुवर का सारा है, बलि हनुमान बलवा। हनुमान जी माता जानकी जी की खोज करके आते हैं, भगवान से मिलते हैं। भगवान बोले, हनुमान मैंने सुना आपने लंका जला दी, आज्ञा तो मैंने नहीं दी थी पर क्यों जलाई आपने? हनुमान जी बोले, मैंने अकेले नहीं जलाई, मैं अकेला होता तो सजा देते। तो बोले, आपके प्रताप ने लंका जलाई, और बोले रावण के पाप ने, और बोले विभीषण के जाप ने, और बोले ब्राह्मणों के श्राप ने, और बोले सीता के संताप ने। बोले आज तो कभी बन गया। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु इतना लोग सम्मिलित हाल लंका जलाने में कौन कौन है? बोले लंका जलाने में रावण का पाप, और हे प्रभु सीता जी का संताप, विभीषण का जाप, ब्राह्मणों का श्राप, आपका प्रताप, और तो कोई कौन बच्चों? बोले मेरे बाप। बाप मतलब? बोले जे हवा नहीं चलती, पवन नहीं चलती तो आग थोड़ी लागती, पवन देवता भी सा गया, इतना जना जलाई है प्रभु। मैंने कुछ नहीं किया, नाथ न कछ मोरी प्रभु ताई, आपने ही किया है सब। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का गुणगान आज पावन जन्म महोत्सव पर हमने किया है। आप सब लोग बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। सबको बारम्बार जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। अब समय भी बहुत हो गया है और कल शेष चर्चा श्रीमद् भागवत जी की भी करनी है, तो कल कल की कथा शेष और है। आप सब लोग पुनः 12 बजे सुबह गौ माता के चरणों में